A particle move in a straight line path with constant acceleration has speed 7 meter per second at A and 17 meter per second at B. M is the midpoint of AB. Then, हमारे पास क्या है? एक पार्टिकल यहाँ है A और दूसरा पार्टिकल है हमारे पास B. यहाँ पे इसकी स्पीड है 17 मीटर पर सेकंड और A पे इन पे स्पीड है कितनी? 7 मीटर पर सेकंड. ओके, यहाँ मिड पॉइंट पे क्या है? M पॉइंट है. ओके, तो हमारे पास जो हमारे पास इस मिड पॉइंट पे हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? बी मिड यू स्केयर प्लस वी स्केयर डिवाइड बाय में 2. ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मिड पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी. ये कितनी हो जाएगी? 7 का स्केयर प्लस 17 का स्केयर अंडर रूट डिवाइड बाय में 2, यानी कि 13 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे हमारे पास एम पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? 30 मीटर पर सेकंड. ओके, एवरेज स्पीड, क्योंकि ऑप्शन में इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें क्या है, एवरेज स्पीड का ऑप्शन दे रखा है हमें, तो वो हमें बताना है कि दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी. तो एवरेज स्पीड ऑफ एम कितनी हो जाएगी? यू प्लस वी डिवाइड बाय में 2. तो 7 प्लस 13 डिवाइड बाय में 2 कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड ऑफ एम, एवरेज स्पीड ऑफ बीएम ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? यू प्लस वी डिवाइड बाय में 2 यानी कि 13 प्लस 17 डिवाइड बाय में 2, 30 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो अगला और इसमें क्या दे रखा है? टाइम का, टाइम दे रखा है. टाइम का रेशियो क्या होगा? ए टू एम एंड एम टू बी, वो हमें दे रखा है. तो एक ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे इसके, ये दोनों. ओके, एवरेज स्पीड ऑफ ए एंड एम एंड एम एंड बी 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास ऑप्शन में दे रखे हैं. अब हमें निकालना है टाइम गैप. टाइम हमारे पास क्या होगा वो हमें निकालना है. तो टाइम टाइम ए टू एम ये कितना हो जाएगा? वी इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस एटी. वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? यू प्लस एटी. तो टाइम क्या हो जाएगा? वी माइनस यू डिवाइड बाय में ए. तो ए टाइम ए टू एम, तो ए टू एम देखेंगे तो वी क्या है? 13 माइनस 7 डिवाइड बाय में ए क्या हमारे पास? 10. तो 13 माइनस 7 क्या आ जाएगा हमारे पास? 4. 13 माइनस 10 क्या आ जाएगा? इसको अगर हम ए लिखे तो ए भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 बाय ए, सॉरी 6 बाय ए. ओके, और टाइम फ्रॉम एम टू बी ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 17 माइनस 30 डिवाइड बाय में यानी कि 4 बाय ए. तो दोनों का रेशियो लिया जाए, टाइम फ्रॉम ए टू एम एंड टाइम फ्रॉम एम टू बी क्या आ जाएगा मेरे पास? 6 बाय ए डिवाइड बाय 4 बाय ए यानी कि 3:2, दैट इज द आंसर. ओके, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? स्पीड, एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड एम इज 10 मीटर पर सेकंड एंड एवरेज स्पीड बिटवीन एम एंड बी 15 मीटर पर सेकंड और द रेशियो ऑफ द टाइम टू गो फ्रॉम ए टू एम एंड एम टू बी इज 3:2. ओके.